हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचायत देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। रीमा कलेक्टर मनोज पुष्प सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण में लापरवाही करे वाले 16 अधिकारी का कारण बताओ नोटिस दीन हमा। दावा हबई कि इन अधिकारी प्रकरण के समय में कार्यवाही नहीं करी ना। कलेक्टर अधिकारी का 3 दिना के समय अपन उत्तर दे खातिर दीन हमा। उत्तर के संतोषजनक जवाब न दे मा कड़ी कार्यवाही की जाई। बात करी थे रीमा के, जहां शहर के रतहरा बाईपास में एक ठे होटल में खाना खात रहे 2 युवक का पिस्टल दिखाई के बंधक बनाए लीन हमा। रात भर एक ठे सुनसान जगह में रखे के बाद दूसरे दिना कार से कहां लेके जात रहे। तब अस्पताल चौराहा में एक ठे युवक पुलिस का देख के गाड़ी से कूदगा। डर के मारे बदमाश गाड़ी के किनारे में खड़ी कह के भाग गए। पीड़ित पुलिस का 10 लाख के फिरौती और अपहरण के बात ही बताई नमा, जिसके बाद पुलिस जवान अमहिया थाना का सूचना दीन। मऊगंज जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत देवरी शिवमंगल सिंह का राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करवावे वाली पूर्व महिला सरपंच गृहपा सिंह भारी मत से पुण्य के सरपंच बन गई हैं। बतावा जाता है कि गृहपा सिंह पूर्व के सरपंच रही हैं। उनके पूर्व के कार्यकाल में स्वच्छता का लय के देवरी शिवमंगल सिंह पंचायत का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। जी सर, हम दूसरी बार ग्राम पंचायत सरपंच बन चुके हैं। एक बार पहले बनी थी तो राष्ट्र पदक आया था निर्मल ग्राम पंचायत का। इस बार दूसरी चक्कर है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हो गया सर, जो हमसे हो सकेगा वो सारी प्राथमिकताएं रहेंगी। सारा काम करेंगे, रोड नाली सड़क, जो जनता की इच्छा होगी वो सब इच्छाएं पूरी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। यह जीत सत्य और असत्य की है, न्याय की है। यह जीत ग्राम पंचायत वासियों की जीत है, हर उस व्यक्ति की जीत है जिन्होंने दिन रात एक करके ग्राम के विकास के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया है। यह जीत उनकी है, सबको अच्छा लग रहा है। आगे क्या इरादा है आपका? हमारा संकल्प है, हमारे ग्राम पंचायत वासियों का संकल्प है कि एक जन सुलभ, जन हितैषी हम सुविधा लोगों को दे सके, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन करा सके। रीमा के मनगवा थाना क्षेत्र में आबई वाले मंदिर के सौहे 2 गाय की गला रेत की हत्या कई दिन गई रही। उहन रहे वाले जानिंदा पुलिस का सूचना दी। पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के धारा के तहत मामला दर्ज कर ली हमा। वहीं बजरंग सेना कमिश्नर का ज्ञापन सौंपे के आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करी हमा। जो आरोपी पकड़े न जाए ही तब बजरंग सेना धरना प्रदर्शन करी, जेकर जवाबदारी पुलिस प्रशासन की हुई। विगत दिनों मनगमा जो है नेशनल हाईवे में तिवनी मोड़ के पास कहीं गाय, 2 गायों को जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के सिलसिले में हम लोग आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए थे और बहुत ही बीभत्स और निंदनीय घटना है। हम बजरंग सेना इसका जो है निंदा करती है इसकी, और इसके विरोध में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग सेना जो है सड़क पर भी उग्र आंदोलन प्रदर्शन और धरना भी करेगी। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एक ठे बैठक करी, जेमा यातायात पुलिस कर्मी के संगे और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन शहर में 10 जगह का चिन्हित करे के निर्देश दिए हमा। यहाँ खड़े होते हो, आपको बता दें, यहाँ पे किस तरह से कुड़िया होती है। यहाँ पे अगर ऑटो स्टैंड 100 मीटर पर चला जाए पूरा एरिया फिर हो जाएगा। जैसे हमने वो आपका एक पुल है ना, पुल का दिया था कि पास में फोन लग जाना पड़ेगा। भैया तरफ ट्रैफिक सुधार के लिए प्रयास लगातार हमारी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। इस क्रम में कई बार कई जगहों पर नई समस्याएं जन्म लेती हैं, जिससे वहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टारगेट और भी रखा है कि शहर में प्रेशर हॉर्न, पटाखे वाली बुलेट, इन पर भी हमने काफ़ी सख्ती शुरू की है। तो आज हमारी रिव्यू बैठक पर हमने ट्रैफिक की टीम से कहा है कि टॉप 10 पॉइंट चिन्हित करके दें हमें 3 दिन के अंदर, जहाँ पर सर्वाधिक जाम लगता है, जिससे कि हम नगर निगम के सहयोग से, पीडब्ल्यूडी के सहयोग से, अन्य किसी डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ पर जाम से मुक्ति के प्रयास कर पाएँ और उन जगहों पर ज़्यादा फोर्स को डिप्लॉय कर पाएँ जहाँ पर जाम की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ इनाम भी घोषित किया गया? हाँ, हमने ये भी कहा है कि जो हमारा ट्रैफिक का अमला रोड पर ड्यूटी करता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अगर कोई चोरी की बाइक चेकिंग के दौरान पकड़ता है
उसको 2000 रुपीज़ कैश रिवार्ड, कोई अगर कट्टा किसी व्यक्ति के पास मिलता है उसको भी 2000 रुपये कैश रिवार्ड, कोई अगर किसी व्यक्ति के पास चेकिंग दौरान चाकू मिलता है तो उसको 1000 रुपीज़ कैश रिवार्ड हम लोग देंगे, जिससे कि हमारी टीम और अधिक मोटिवेट होकर काम कर पाए और अपराध पर भी अंकुश कर पाए। रीमा जिला के चोरांटा थाना के भोलगढ़ गांव में आरोपी शिवनाथ साकेत 14 जुलाई का सियासरण साकेत के घरे में आगे लगाई दी रहा। वहीं पुलिस आरोपी का पकड़ के जेल भेज दी। नमा बतावा जाता है कि जब आगे लगी तो घरे में सब जने सोबत रहे, वहीं गांव वाले चिंगारी देख के आगे बुझाई लीन और परिवार के सब जने बच गए। रीमा जिला के नगर परिषद डभौरा के खैरहा टोला में रहाई वाले रंजीत चर्मकार के मॉडल स्कूल में चयन भाता, वहीं सुरजीत चर्मकार के चयन नवोदय स्कूल खातिर केन गहब। बतावा जाता है कि इन दोनों छात्र एक ठहिये प्राइवेट स्कूल डभौरा में पढ़त रहे। स्कूल के प्रबंधक वीरेन्द्र सिंह दोनों छात्र का बधाई दीन और आगे बढ़े के भगवान से कामना करी। हमारा घर गोहटा है और इस समय खैरहा में रहता हूँ और मैं इसे डभौरा स्कूल में काउंटी लगड़वी स्कूल में पढ़ाता था। किसको पढ़ाती थी आप? अपने बच्चों को। अच्छा, कितने बच्चों को? और रंजीत चर्मकार और सुरजीत चर्मकार, दो बच्चे। तो एक को सिलेक्शन हुआ मॉडल स्कूल जी, एक को नवोदय सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो क्या मास्टर साहब अच्छा पढ़ाते थे इसलिए सिलेक्शन हुआ है? जी धन्यवाद, अच्छे पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते थे जी। अच्छा, आप गरीब वर्ग के आदमी हैं? मैं यहाँ मड़ई में रहता हूँ। मड़ई बना करके मैं मजदूर आदमी हूँ जी। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार चनोकार है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2019 से रह रहा हूँ और मैं स्कूल पता करने गया तो मैं कहाँ पता करने गए? डभौरा। मैं कौटिल अकेडमी स्कूल में एडमिशन कराया। अच्छा, जिसके संचालक थे वीरेन्द्र सिंह और तनुजा मैम। तो वहाँ पे मैं 3 साल पढ़ाई की है, अच्छी के कड़ी मेहनत की है। हमारे पीछे सर और मेरी मैम तनुजा, इस कारण मेरा सिलेक्शन मॉडल में हुआ है और मेरे भाई का सिलेक्शन नवोदय में हुआ। आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार चंद्रकार। आपका भी सिलेक्शन नवोदय में हुआ है? हाँ। आप सर को क्या बोलना चाहते हो? धन्यवाद। धन्यवाद बोलना चाहते हो? आज खातिर इतना। बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे। नमस्कार।